कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनी दिव्या मदेड़ा राजस्थान में पार्टी की नई पीढ़ी की प्रभावशाली चेहरा है। हाल ही में उन्हें जम्मू कश्मीर की अहम जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसके बाद से दिव्या की उम्मीदें उफान पर हैं और एक बार फिर से उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दिव्या मदेड़ा लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई है और अब अशोक गहलोत को लेकर दिव्या मदेड़ा ने जो बड़ी बात कही है उस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल दिव्या मदेड़ा ने एक निजी समाचार संगठन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस किस चेहरे के साथ आगे बढ़ सकती है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा या फिर कोई और चेहरा। इस सवाल पर दिव्या ने विधानसभा और लोकसभा दोनों की परफॉर्मेंस के आकलन पर कहा कि सचिन पायलट युवा है और प्रॉमिसिंग चेहरा है। गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पार्टी ने शेखावटी में परफॉर्म किया है और लोकसभा चुनाव में भी 11 सीटें आई हैं। लेकिन मारवाड़ पर दिव्या ने गहलोत का नाम लिए बिना जो कहा वो शायद गहलोत कैंप को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मारवाड़ में हम दोनों बार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने व्यक्ति विशेष का नाम लेने से परहेज करते हुए आगे कहा कि जो लीडरशिप में रहेगा जवाबदेही भी उसी की होगी। 2023 समेत पिछले चुनावों में पश्चिमी राजस्थान में परफॉर्म करने में कांग्रेस नाकाम रही। लोकसभा में भी जोधपुर, जालौर, पाली में हार मिली। त्रिकोणीय मुकाबले के कारण ही बाड़मेर जीत पाए। पूर्वी राजस्थान और शेखावटी में बेहतर प्रदर्शन हुआ, लेकिन पश्चिम में नाकामी मिली, क्योंकि जो जातियां एक साथ बैठती थी वो अब आमने सामने हो गई है। दिव्या के इस बयान को सीधा सीधा अशोक गहलोत से जोड़ा जा रहा है और जोड़ा भी क्यों ना जाए, आखिर उन्होंने सीधा जोधपुर, जालौर और पाली लोकसभा का जिक्र कर गहलोत पर निशाना जो साधा, क्योंकि जोधपुर अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। वहीं जालौर सिरोही से उनके बेटे वैभव को गहलोत की कड़ी मेहनत के बाद भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि पाली में भी यही देखने को मिला। बाड़मेर की अगर बात करें तो वहां रविंद्र भाटी के आम मैदान में उतरने से ही कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई। वहीं इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी मारवाड़ में कांग्रेस के हाथ पल्ले कुछ खास नहीं लगा था। इसका अंदाजा आप जोधपुर के चुनावी नतीजों से ही लगा सकते हैं। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई थी, जबकि बीजेपी ने 8 पर अपना परचम लहराया। अब इन्हीं सब बातों को लेकर दिव्या मदेड़ा बिना नाम लिए गहलोत को घेर रही है। बताते चले कि इसी साक्षात्कार में दिव्या ने अपने दादा के सीएम ना बन पाने और 25 सितंबर 2022 की घटना को लेकर भी कई बातें कही। खैर, दिव्या के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।